गुड मॉर्निंग गाइस, और आज की वीडियो है रक्षाबंधन स्पेशल ब्लॉग, तो पूरा देखिएगा और फुल सपोर्ट करिएगा गाइस, आपको लास्ट तक बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस जल्दी चलिए, बारिश तगड़ी हो रही है, देखिए पानी कितना ज्यादा भर गया है। यहाँ पे जो सीधी लाइन गई ना, ये कार खड़ी है, ये सारे जो ऑफिसर्स होते हैं उनके क्वार्टर्स हैं, और ये सामने का मेरा गेट है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं फुल कॉलोनी का ब्लॉग अच्छे से बना दूंगी डिटेल में। तो गाइज इसी लाइन में कमिश्नर मैम का भी घर है, और ये अब हम लोग कॉलोनी की गेट से बाहर आ चुके हैं और जा रहे हैं ऑफिस। क्योंकि बारिश हो रही थी और आज छुट्टी का दिन था, फिर भी ऑफिस में काम था, इसलिए हम क्यों जा रहे हैं ऑफिस या आपको लास्ट में देखना होगा। ये है कि अगर आपकी बहन छाता ना दे रही हो तो आप इस तरह दुपट्टा यूज कर सकते हैं, छाता की तरह आप बिल्कुल नहीं भीगेंगे। और ऐसा नहीं कि मैंने इसे छाता नहीं दिया है, ना फर्जी ड्रामा करें क्योंकि इसको भीगना है। एक्चुअली इतने लोग मिलकर बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्पज से जा रहे हैं, तो वो आगे पता चलेगा क्या है। और आप लोगों को पता है आज छुट्टी है, ऑफिस का गेट जो कॉलोनी से था जो मैंने पिछली ब्लॉग में दिखाया है तो वो बंद है, और हम लोग आगे से मेन सड़क से होते हुए जा रहे हैं, ये रही रोड। सो जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि अच्छा लग रहा है यार, मजा आ रहा है मुझे तो। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये मेरी बहन है जो बारिश में ऐसी मटक रही है फर्जी का। तो गाइस सड़क पर बहुत सारी गाय भीग रही है और हम लोग कैसे जा रहे हैं, लगी नहीं रही कि जा रहे हैं। गाइस तुझे सामने चल रहा है, ये आप लोगों को बताना है भैंस के बगल में कौन है। सो गाइज इस गेट को आप लोग पहचानते होंगे, ये मेरी कॉलोनी का दूसरा वाला गेट है, और ये गेट ना बिल्कुल ऑफिस के पास में। तो अब हम लोग यहाँ पहुंच गए थे मस्ती करते हुए, तो मैं फोन पे इस टाइम पे बात कर रही थी। इसके बाद ही मंदिर आती है और उसके जस्ट बगल में ऑफिस है। सो गाइज अब आप लोग देख सकते हो ये मेरे हस्बैंड है और आ रहे हैं वापस। सो गाइज अब हम लोग चल रहे हैं, अब ये छाता लगा लें क्योंकि मुझे अब भीगना है, और बड़ी तगड़ी बारिश हो रही है। ये रही हमारी कॉलोनी, क्योंकि आसपास ही हमारी कॉलोनी और ऑफिस, तो हम लोग आराम से ऐसे चलेंगे। और आप लोग देख सकते हैं बारिश की वजह से पूरी सड़क पे मतलब पानी भरा हुआ है, और गायों को देख के बहुत दया से आ रही थी कि बताओ बेचारे सब इतना भीग रहे हैं। आई होप सो गाइस आप लोगों ने भी इस वीडियो को देख के बहुत सारा एंजॉय करा हो। अब हम आ चुके हैं फाइनली, और बारिश यार अब खत्म हो गई, जैसे हम आए वैसे ही बारिश बंद हो गई। अब लंच का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ खाना खाने। आज मैंने बनाया है तहरी। आज मैं आई हूँ इस्कॉन टेम्पल पंजाब के, तो आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी मंदिर है कि मेरा मन हुआ यहाँ पे आके वीडियो बनाऊं और आप सभी को दिखाऊं ये मंदिर। वीडियो स्किप मत करिएगा, और बहुत ही सुंदर मंदिर थी यार, अंदर कृष्ण भगवान की मंदिर थी। और हम लोग गए तो पहुँचते पहुँचते काफी रात हो चुकी थी, फिर भी लोग वहाँ पे थे, और कुछ लोग बाहर से आए हुए थे, जैसे विदेशी नहीं लगते हैं जो, तो वैसे भी लोग हमें दिखे। और यहाँ पे जन्माष्टमी का प्रोग्राम होगा क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ था, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होगा ऐसा मुझे लग रहा था, मैं कभी गई नहीं हूँ यहाँ पे, तो कोशिश करूंगी जाऊं उस दिन। ये देखिए आप लोग उस साइड से कितना बड़ा सा ऊंचाई देखी इसकी, और अभी आगे ये बन रहा है, यहाँ पे बहुत ही शांति है, तो आराम से आप लोग अगर पंजाब आ रहे हो तो इस मंदिर में जरूर आना। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आउटर पे पर बहुत ही बड़ी और बहुत ही शांति, मन को बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं सोच रही थी कि आप लोग को भी ये दिखा दूँ, सिर्फ आप लोग के लिए मैं इस मंदिर में आई हूँ। फिर हम लोगों ने रील्स बनाई, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा। ये मेन एंट्री है यहाँ का। सो गाइज आप लोग मंदिर की खूबसूरती देख सकते हैं, ये कृष्ण भगवान का मेन मंदिर था और यहाँ पे उनका पालकी सजाया जा रहा था, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। सो गाइज अब हम लोग मंदिर से बाहर जा रहे हैं, आप लोग देखिए बहुत ही अच्छी मंदिर है, और ये मेरी सिस्टर, और अब अंधेरा हो गया है, मौसम तो देखिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मुझे पसीना आ रहा है इतना सारा। सो गाइज अगर आप लोग पंजाब आ रहे हो तो इस मंदिर में जरूर आइएगा, बहुत ही अच्छी मंदिर है, मतलब है सुकून इतना ज्यादा है ना कि पूछो मत। और लोग कहते हैं यहाँ पे मांगी हुई मन्नत जरूर पूरी होती है, तो गाइज दिल से मांगने पे मन्नत हमेशा पूरी होती है, सभी की होती है, मैं
भगवान से दुआ कर रही हूँ मेरे वीडियो को जो भी देखे यार, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हो ना, सभी खुश रहे और अच्छे से रहे, हेल्दी रहे। और आप लोग देखिए, मेरे हस्बैंड, ये मेरा भाई, ए शिवम, ये मेरा भाई आए हैं डोमिनोज। दोपहर में लोग बारिश में गए थे ना ऑफिस, उसके बाद आज थोड़ा थोड़ा थकान आ गई थी, तो चलिए फिर आते हैं पिज्जा खाने। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइस, इस टाइम रात हो चुकी थी और अब हम लोग गए थे डोमिनोज, तो ये रहा। फिर यहाँ पे मैंने ऑर्डर दिया। तो गाइस, अभी यहाँ हम लोगों ने डोमिनोज में ऑर्डर दिया और 25 मिनट लगेगा आने में। हम लोग बोर हो रहे हैं। सो पिज्जा आ गया और अब अटैक, बट मैंने यहाँ पे थोड़ी स्पीड बढ़ा दी थी क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था वीडियो एडिट करने में और ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो आप लोगों को भी देखने में प्रॉब्लम होगी। फिर हम लोगों ने पिज्जा खाया और थोड़ा सा यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक कराई, उसके बाद निकल ली घर के लिए। ये मेरा छोटा भाई है तो मुझसे 4 साल छोटा, पर ये लगता है मुझसे भी बड़ा। तो आप लोगों में किसके साथ ऐसा होता है कि छोटे भाई बहन आपसे बड़े लगते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने तो जितने को भी देखा तो छोटी बहनों या भाई वो आपसे बड़े ही लगते हैं। और फिर मैंने सोचा चलो थोड़े से मोमोज खाते हैं, तो फिर हम लोग वही बात कर रहे थे आपस में, ये मेरी सिस्टर और मैं, और फिर हम लोग गए मोमोज खाने। तो मैं तो ये मैं नेपाली बोल रही थी और इसका मतलब होता है कि यहाँ के मोमोज बहुत अच्छे हैं। खांचू तो ये इनके मोमोज का असर है। गाइस, हम लोग अपनी कॉलोनी में आ गए और ये मेरी कॉलोनी का बड़ा वाला पार्क है। तो आप लोगों की बहुत सी डिमांड थी कि मैं बड़े वाले पार्क को दिखाऊं, तो आइए ये देखिए हमारा पार्क। इसे हमें बच्चे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और ये रोड किनारे किनारे निकाल दिया गया है। यहाँ पे लोग योगा करते हैं, जो मॉर्निंग में ऑफिसर्स वगैरह आते हैं वो, और यहाँ पे बैठने वाला है तो यहाँ पे आप लोग आराम से आके बैठ सकते हैं। ये देखिए, इनको बड़ी वो हो रही कि मेरे चैनल में आने का फर्जी का फुटेज खा रही है। ये पानी की टंकी भी यहाँ पे लगी हुई है। कंपटीशन होता हुआ, और ये कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक लोग बंदर की तरह बैठ गए और एक लोग नीचे लेटे हुए हैं। कौन जीतता है? सो गाइज, अब हम लोग पार्क में थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे, उसके बाद अब मैं जाऊंगी अपने रूम पे और फिर अब सो जाएंगे। सो गाइज, अब हम रूम पे आ चुके हैं और ये मेरा रूम, और अब मैं चल रही हूँ अंदर। और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कल मॉर्निंग में 8 बजे से 10 बजे के अंदर ही मेरी वीडियो आ जाएगी। सो गाइस, जैसे कि सभी को बहुत कंफ्यूजन थी 11 को करें या 12 को करें, तो आज हम लोगों ने 12 तारीख की मॉर्निंग में सोचा है राखी बांधने का। और इस बार पहली बार ऐसा रक्षाबंधन पड़ा है जिस बार मैं घर नहीं गई, और यार फील होता है घर ना जाओ तो बहुत बुरा लगता है। बट ये था कि भाई का काम था तो वो आया, तो चलो ठीक है, रोक लिया था मैंने जबरदस्ती करके कि हाँ रुक जाए आज। और ये मेरी बहन है जो अभी सज रही है, मेकअप कर रही है। सो गाइस, अब थाली रेडी हो गई है, मैंने रेडी कर दी है, और ये रही थाली। बताओ, अरे सब रुक गया, हम लोग तैयार हो गए तो। अरे बांध दो। सो गाइस, अब हम लोग पहले ही रेडी हो गए थे नहा धो के, और अब 6:30 बजे के आसपास मैंने मेरे भाई से कहा तैयार हो जाओ, तो फाइनली वो नहा धो के आया। और हम चार बहनें, तो ऐसा कभी नहीं होता था कि हमने कभी किसी और की राखी बांधी हो, तो पर इस बार हमारे पास आया था मेरा भाई, तो मैंने और मेरे बाद वाली जो सिस्टर है उसकी राखी, मैंने 2 राखियां बांधी और 2 मेरी छोटी वाली बहन ने बांधी। तो तो मुझे मेरा गिफ्ट मिल गया, कैसा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। घर ना जाने का दुख तो बहुत था, पर ये है कि चलो भाई बहन आ गए तो रक्षाबंधन अच्छे से हो गया। और मेरे हस्बैंड है ये, तो इनकी भी बहन नहीं आ पाई थी, इस वजह से मेरे भाई ने उन्हें राखी बांध दी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो और कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। हैप्पी रक्षाबंधन, बाय गाइज।